सो बेसिकली लास्ट क्लास हम लोग ने स्कोर्स को वैलिडेट किया था. लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया अभी तक. सेकेंड पार्ट इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 25 मीटर स्कोर्स. सॉरी. ठीक है. कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 25 मीटर स्कोर्स फॉर ईच कॉम्पिटिटर यूजिंग द डेटा एडजस्टेड इन पार्ट वन. सो वी हैव डन दिस एडजस्टमेंट्स जो हमने करेक्शंस किया है. नाउ दे आर आस्किंग फॉर ईच कॉम्पिटिटर हमें एवरेज स्कोर निकालना है. ठीक है. सो लेट अस डू इट इन दिस पेज इटसेल्फ. इसी पेज में करना ठीक रहेगा. शिवानी, आप स्क्रीन शेयर कर रही हो? अच्छा ओ सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया. सॉरी सॉरी, एक सेकेंड. एक्चुअली गूगल मीट पे क्लासेस एकदम लेने के हैबिट चले गए एंड आई एम टेकिंग करेंटली यूट्यूब पे. तो ओके. ठीक है. हाँ, सो वी हैव डन दिस करेक्टेड स्कोर्स. अभी इसको यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्कोर्स. नाउ ऑब्वियसली हम लोग को क्या बेटर रहेगा कि इसी शीट में करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग को हर एक कॉम्पिटिटर का एवरेज निकालना है. ठीक है. सो इट्स गुड दैट हम लोग इसी शीट में करें. तो यहीं पे इसी शीट में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ ईच कॉम्पिटिटर. तो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज. आप लोग भी मेरे साथ साथ कर लो. एवरेज ठीक है. ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्कोर ऑफ ईच कॉम्पिटिटर. सो दिस इज द एवरेज स्कोर ऑफ ईच कॉम्पिटिटर. ठीक है. एक बार सबका हो जाए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट करूंगी फिर स्टार्ट. ये तो हो चुका. ठीक है, हो गया. आदर्श हो गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कैलकुलेट द समरी स्टैटिस्टिक्स. नाउ व्हेन एवर दे आस्क समरी स्टैटिस्टिक्स, ये आप लोग लिख लो. दे आर 5 समरी स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग निकालते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहला इज काउंट, नंबर. ठीक है. मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर वेरियंस, मैक्सिमम मिनिमम. दीज आर द 5. इवन इफ दे डोंट स्पेसिफाई, दीज आर द 5 समरी स्टैटिस्टिक्स दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. फॉर सीनियर कॉम्पिटिटर्स ओनली एंड जूनियर कॉम्पिटिटर्स ओनली एंड ओवरऑल. सो व्हाट दे वॉन्ट ओवर हियर, सीनियर कॉम्पिटिटर, जूनियर कॉम्पिटिटर एंड ओवरऑल, तीनों का अलग अलग. ओवरऑल यानी कि जूनियर सीनियर दोनों का मिला के. ऑफ ऑल द 100 कॉम्पिटिटर्स एज फॉलोज. नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स चाहिए हमें, यानी कि नंबर ऑफ सीनियर, जूनियर एंड ओवरऑल. एवरेज स्कोर पर कार्ड अक्रॉस द कॉम्पिटिटर्स. सो एवरेज स्कोर पर कार्ड अक्रॉस द कॉम्पिटिटर्स. तो हमने अभी एवरेज जो निकाला है उसी का अगर हम एवरेज निकालेंगे सो वी विल गेट द एवरेज स्कोर पर कार्ड अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिटर्स. हाईएस्ट इंडिविजुअल एवरेज स्कोर, लोएस्ट इंडिविजुअल एवरेज स्कोर विच इज मैक्सिमम मिनिमम. सो बेसिकली व्हाट आर दे आस्किंग यहाँ पे, व्हाट आर दे आस्किंग यहाँ पे, ये जो हमारा एवरेज है, ये जो हमारा एवरेज है,
ये इसी का, दिस इज नथिंग बट ऑल द कॉम्पिटिटर्स, सारे कॉम्पिटिटर्स का एवरेज हमने निकाला है, करेक्ट? तो इसी में से नाउ वी वांट द एवरेज ऑफ जूनियर का अलग, सीनियर का अलग, हाईएस्ट एवरेज, लोएस्ट एवरेज एंड द काउंट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. तो इट इज, सी, यू कैन डू टू थिंग्स. आइदर यू कैन क्रिएट अ समरी स्टेटिस्टिक्स टेबल इन दिस पर्टिकुलर शीट इटसेल्फ, और यू कैन मेक अ न्यू शीट. सो व्हाट डू यू ऑल प्रेफर टू, शुड वी मेक अ न्यू शीट? और देखो, दोनों में मार्क्स मिलेगा बिकॉज यू जस्ट हैव टू पुट इन समरी स्टेटिस्टिक्स. सो यू कैन गो विथ बोथ. या तो आप इस शीट में बना सकते हो या नई शीट में बना सकते हो, दोनों में मार्क्स मिलेगा. व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हम लोग दूसरे शीट में बनाते हैं. ऑल्दो इफ यू मेक इन द सेम शीट यू विल गेट कम्प्लीट मार्क्स, बाय आई एम सजेस्टिंग कि ज्यादा स्क्रोल नहीं करना पड़ेगा. ऑल्दो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यू कैन, अदरवाइज यू कैन मेक समरी स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे ऊपर में, ताकि यू डो नॉट हैव टू स्क्रोल मच. सो यू हैव थ्री ऑप्शन. यू कैन मेक इट ओवर हियर, यू कैन मेक इट टुवर्ड्स द राइट, यहाँ पे एक टेबल बना के पूरा, और वी कैन क्रिएट अ न्यू शीट. सो लेट अस क्रिएट अ न्यू शीट दैट विल लुक बेटर, ठीक है? एंड नया क्वेश्चन है, तो एक पूरे शीट में हम लोग समरी स्टेटिस्टिक्स डाल सकते हैं. क्लियर? ये तो पॉइंट नंबर टू का मतलब क्या है? एवरेज स्कोर पर कार्ड अक्रॉस द कंपटीटर्स. तो हमने जो अभी एवरेज स्कोर निकाला, दैट इज फॉर ऑल द 100 कंपटीटर्स, राइट? ये वाला हाँ, जो एडी कॉलम से. तो ये जो ये जो एवरेज है, दिस इज द एवरेज ऑफ कॉम्पिटिटर वन अक्रॉस ऑल द 20 कार्ड्स, ठीक है? राइट. करेक्ट. अब क्वेश्चन में बोला है एवरेज स्कोर पर कार्ड, तो इसको भी आप एवरेज स्कोर पर कार्ड बोल सकते हो ऑफ दिस कॉम्पिटिटर ओनली. राइट. दिस इज द एवरेज स्कोर ऑफ दिस कॉम्पिटिटर ओनली. नाउ दे वॉन्ट अस टू कैलकुलेट अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिटर्स, यानी कि ये जो हमारे पास 100 कॉम्पिटिटर्स है, इनका एवरेज. ओके, मतलब एवरेज है, एवरेज. या बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एवरेज स्कोर पर कार्ड, ये तो हमने अभी निकाला फॉर ईच कॉम्पिटिटर. नाउ दे आर सेइंग अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिटर्स, तो व्हाट इज द एवरेज अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिटर्स? सारे कॉम्पिटिटर्स का इंडिविजुअल एवरेज निकालेंगे एंड फिर उसका एक एवरेज ले लेंगे. सो दैट नंबर विल गिव अस द एवरेज स्कोर पर कार्ड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, अक्रॉस ऑल द इंडिविजुअल्स, ओके. ठीक है? यस. तभी मैंने इस पे फोकस भी किया था कि ये हल्का समझने में डाउट आता है, बट ऑलवेज रिमेम्बर कि हमने अगर यहाँ पे एवरेज निकाले, सो दे माइट बी ओनली आस्किंग अस टू डू इट, एंड यहाँ पे भी उन लोग एवरेज स्कोर पे ही बोल रहे हैं, हाईएस्ट एवरेज स्कोर, लोएस्ट एवरेज स्कोर नंबर, तो ये सारा उसी पे ही निकालने बोल रहे हैं, ठीक है? अगर एग्जाम में थोड़ा डाउट भी आए, सो थोड़ा स्मार्टली अगर हम लोग इस चीज को देख ले कि हमने पहले वाले सब में एवरेज निकाला है, नाउ अदर स्टेटिस्टिक्स आर बिकॉज दे आर, दे वॉन्ट मैक्सिमम मिनिमम एवरेज स्कोर, तो मे बी दिस इज ऑल्सो ऑन दिस पर्टिक्युलर कॉलम इटसेल्फ, ठीक है? ओके. तो यहां पे इसको रीनेम कर देते हैं, समरी स्टेटिस्टिक्स दे देते हैं. ट्वेंटी फाइव मीटर्स लिख देते हैं, ताकि पता रहेगा दिस इज फॉर 25 मीटर डिस्टेंस, ठीक है? नाउ व्हाट आर द समरी स्टेटिस्टिक्स दे आर आस्किंग अस? पहला इज द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेट अस गिव समरी स्टेटिस्टिक्स ट्वेंटी फाइव मीटर स्कोर. हमें चाहिए नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तो हम सिर्फ काउंट लिख सकते हैं या फिर नंबर लिख सकते हैं, हमें पूरा लिखने का जरूरत नहीं है. देन वी वॉन्ट द एवरेज, देन वी वॉन्ट द मैक्स एंड मिन. या तो आप ऐसे लिख रहे हो, या तो यू कैन सिंपली कॉपी दिस एंटायर थिंग, लोएस्ट इंडिविजुअल एवरेज स्कोर, हाईएस्ट इंडिविजुअल एवरेज स्कोर. तो आप ऐसे लिख सकते हो मैक्स एवरेज, मिन एवरेज, इट्स द सेम थिंग. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन वॉट यू आर डूइंग इन द ऑडिट ट्रेल, बट दिस शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? दिस शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड वो समझ में आ जाएगा.
अगर आपको पूरा लिखना है, पूरा पूरा लिखना है, सो यू कैन डू दैट एज वेल, कोई इश्यू नहीं है. देन वी वॉन्टेड फॉर सीनियर, वी वॉन्टेड फॉर जूनियर एंड वी वॉन्टेड ओवरऑल का, करेक्ट? ऐसा हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, एक बार देख लो. अगर इसको और इलेबोरेट करना है, वी कैन राइट एवरेज फॉर पर कार्ड अक्रॉस कॉम्पिटिटर्स, दिस यू कैन राइट इन फुल, बट इवन इफ यू आर राइटिंग इट नॉर्मली एवरेज एंड व्हेन दे विल सी कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, सो दे विल गिव अस द मार्क्स. मैंने आपको दोनों चीज सिखा दिया है, बिकॉज एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा टू टाइप द एंटायर थिंग. तो मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी कि यू कैन प्रेफर ऑल दीज थ्री थिंग्स. या तो पूरा पूरा भी लिख सकते हो, या तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट काउंट एवरेज मिन मैक्स, दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज हाउ वी राइट द समरी स्टेटिस्टिक्स फॉर एवरीथिंग. यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में कुछ नहीं बोले, सो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट. अगर कुछ चार अलग अलग पॉइंट्स मेंशन नहीं करते तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते. एक बार यहाँ तक हो जाए तो बताना मुझे. आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट्स ऑल्सो, कि अगर आप लोग को बाद में रेफर करना पड़े तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो. ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो इसको. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्स. ठीक एंड जब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, यू विल सी दैट जो सोल्यूशन में किया है वो तो हमने कवर कर ही लिया, उसके साथ साथ वी हैव कवर्ड मेनी डिफरेंट थिंग्स विच यू विल सी इन अदर पेपर्स एज वेल, क्योंकि इनका भी फॉर्मेट हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता है. बट वी विल मेक अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट फॉर आर सेल्व्स, कि हम लोग जो पेपर्स करें हम लोग एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट रखें अपना, ताकि हम लोग का टाइम नहीं वेस्ट हो कभी भी. दैट इज द मेन एम एक्चुअली, कि टाइम हमें बचाना है. यहाँ तक हो गया क्या आदर्श एंड सिद्धि? हाँ ओके, सो लेट मी वंस चेक एक बार कोई और. ठीक है, सो नाउ वी हैव सीनियर का एंड जूनियर का एंड ओवरऑल. सो यू विल टेल मी दिस कि हम लोग कैसे करें. Here I have calculated average score per card, जो मैंने निकाला है. यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली सबका निकाला है, करेक्ट? तो अगर मैं इस पूरे कॉलम का एवरेज लूंगी तो मुझे ओवरऑल एवरेज मिल जाएगा. ठीक है, पहले तो काउंट का करते हैं, एंड देन वील कम टू एवरेज, देन आई आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन. तो काउंट हम कैसे करें कि कितने नंबर ऑफ सीनियर प्लेयर्स हमारे पास है, इसको हम कैसे काउंट करें? अगर हम सीनियर को एस मतलब वन ले ले बैक वाले शीट पे, मतलब एस इक्वल्स टू वन, जूनियर इक्वल्स टू जीरो करके, हाँ, एक नया कॉलम बना ले. ओके, जहाँ हम रिप्लेस कर देंगे जे और एस को वन एंड जीरो से. एंड फिर फिर हम कंडीशन डाल सकते हैं ना, कि जहाँ जहाँ इफ एंड वी लुकअप कंडीशन, कि जहाँ जहाँ जे है उसका वो काउंट ले ले या सम ले ले. ठीक है. ओके, डोंट यू थिंक वो थोड़ा लेंदी वे हो जाएगा? लेंदी होगा, बिट लेंदी इट विल बी. आदर्श, एनी सजेशन? काउंट इफ कर सकते हैं जीरो हुआ करेक्ट, तो. काउंट इफ कर सकते हैं हम लोग इस पूरे कॉलम पे. काउंट इफ लगा सकते हैं, काउंट इफ जे, काउंट इफ एस, तो नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ जे हमारे काउंट हो जाएंगे. ठीक है,
एक बार अगर हम देख। लोग डायरेक्ट लिंक करेंगे ना यहाँ पे, मतलब उस डेटा से डायरेक्ट लिंक का। हाँ देखो कैसे करेंगे, काउंट इफ एक बार देख लो, मैं दो चीज समझाऊंगी इधर, काउंट इफ एंड देन आई एम सिलेक्टिंग दिस एंटायर कॉलम, ठीक है, इसको हम कर देते हैं एब्सोल्यूट FNF4 से, ठीक है, मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, कॉमा द क्राइटेरिया इज दिस एस, देख लो मैंने सीधा एस सिलेक्ट किया है क्राइटेरिया में, आई सिलेक्टेड द एंटायर कॉलम फॉर द रेंज एंड इन द क्राइटेरिया आई सिलेक्टेड एस, ठीक है, एंड मैंने क्लोज द ब्रैकेट आई गेट 76। अब दो चीज जो आपको समझना है कि मैंने ऐसे क्यों किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये जो क्राइटेरिया है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एस आई सिलेक्टेड अ सेल, व्हाई आई हैव डन दिस, क्योंकि अगर मैं इसको राइट ड्रैग करूंगी तो मुझे जे का अपने आप मिल जाएगा, टाइम बचा, क्योंकि अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे एस लिखना पड़ता इन प्लेस, इन दिस प्लेस मुझे एस लिखना पड़ता, फिर जब मैं इसको राइट ड्रैग करती तब मुझे वहां पे अलग से जे लिखना पड़ता इन प्लेस ऑफ एस, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, आप लोगों को इसीलिए लगा होगा कि मैंने यहाँ पे सीनियर के जगह पे एस क्यों लिखा है, खाली जूनियर के जगह पे जे क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज अंडरस्टूड कि एस इज फॉर सीनियर एंड जे इज फॉर जूनियर, ये दिया हुआ है इन आर डेटा, दिस इज गिवन एंड वी विल राइट दिस इन द ऑडिट ट्रेल एज वेल। तो सीनियर जूनियर लिखने से क्या होता, मैं सेल को नहीं कनेक्ट कर पाती एंड आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं आता, आपको मार्क्स भी पूरा मिलता, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता, आपको यहाँ पे इसके जगह पे एस लिखना पड़ता एंड फिर वहां पे जे के जगह पे इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग आपको जे लिखना पड़ता, करेक्ट, समझ में आया कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने एस और जे क्यों लिखा ऐसे करके। हाँ, तो हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना है, ऊपर में सीनियर लिख के नीचे रो में एस लिख दे तो हाँ यहाँ पे भी यू कैन क्लैरिफाई। राइट हाँ, सीनियर, तो बट क्लियर हो अगेन जाएगा। दिस इज अ मॉडल वी आर मेकिंग, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम काउंट एवरेज एंड ऑल ऑफ दिस सिंपली वी कैन हाँ राइट इंस्टेड ऑफ यू नो राइटिंग, तो वो हाँ क्योंकि अंडरस्टूड है, टाइम बिकॉज टाइम बिकॉज वही ना इज मॉडल भी है, तो इशू थोड़ा आप सा। हाँ हाँ आप अपना पूरा मॉडल बना रहे हो एंड यू हैव ऑल ऑफ दीज लिबर्टीज टू डू, ये आपका लिबर्टी कि आप कर सकते हो ये सब डायरेक्टली, आपके खुद के डेटा में दिया हुआ है एस और जे एंड विच इज इम्प्लाइड कि एस इज सीनियर बिकॉज आपने उसको अपने ऑडिट ट्रेल में भी उसको लिखा है, ठीक है, हम लोग करेंगे जब ऑडिट ट्रेल। यू कैन मेक अ सिंपल बॉर्डर, ऐसे ऑल बॉर्डर्स बना सकते हो टू जस्ट टू मेक इट मोर बेटर, अच्छा दिखे। एंड ऑल्सो एक सजेशन है कि जिस लैपटॉप में अभी कर रहे हो ना प्रैक्टिस, मेक श्योर कि यू आर यूजिंग द सेम लैपटॉप इन योर एग्जाम, बिकॉज हैबिट हमारा उसी लैपटॉप में हो जाता है करने का, सो वेन यू चेंज इट इन द एग्जाम तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू यू नो इंक्रीज द स्पीड, एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग मतलब लेटर वर्जन ऑफ एक्सेल आफ्टर 2010। यहाँ पे आप लोग के पास किसी के पास ऑफिस है क्या, हाँ, ऑफिस मतलब स्टूडेंट वर्जन है जिसमें पावर पॉइंट 365 वर्ड, और ना, 365 नहीं आता ना, 365 नहीं, ऑफिस का आजकल वो देने लग गया, ओनली थ्री स्टूडेंट वर्जन सॉफ्टवेयर देखते स्टूडेंट। हाँ, हैं, करेक्ट तो करेक्ट, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड। हाँ तो ये फीचर्स तो ये रहते हैं उसमें भी, हाँ। नाइस, ऑफिस 365 मुझे सबसे बेस्ट लगता है,
एंड स्पेशली तो चार्ट्स आर वेरी मतलब आराम से बन जाते हैं चार्ट्स इसमें, इवन आई प्रेफर यूजिंग. जैसे मुझे इस लैपटॉप में आई गॉट ऑफिस 2019, बट स्टिल मेरे पास था 365, सो आई यूज 365 ओनली. मेरे पास भी ऑफिस 2019 है, बट ठीक है, इसका इसका भी ग्राफ फीचर्स अच्छा लगता है मतलब. हाँ 90, मुझे 365 इज एनी डे बेटर. ये हो क्या क्या हाँ नाउ व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ डू वी कैलकुलेट ओवरऑल? हम लोग एवरेज कॉलम का एवरेज निकाल देंगे. नहीं ये काउंट कर रहे अभी. वो अच्छा सम करना है हम लोग को दोनों एस और जे का. तो सिमिलरली काउंट ले सकते हैं ना टोटल. हाँ तो यहाँ पे देखो जैसे आदर्श ने बोला कि हम लोग सम कर सकते हैं, दैट आल्सो यू कैन डू. और मुझे बेटर वे पता है क्या लगता है, वी कैन काउंट ऑल द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे एंड देन वी कैन पुट अ चेक, देन वी कैन पुट अ चेक दैट इफ, एक बार देखना, इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस देन योर डेटा इज करेक्ट, अदरवाइज चेक द डेटा, यस और नो. तो हमने बिकॉज मैंने क्या बोला था सेल्फ चेक, इसको हम लोग एक सेल्फ चेक बोलते हैं जो हम लोग अपने डेटा में डालते हैं. जितने ज्यादा सेल्फ चेक हम लोग अपने हर एक मिनिमम, मैंने क्या बोला ओवरऑल 5 to 7, आप 7 का ही टारगेट रखो, 7 सेल्फ चेक देना है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्फ चेक, ये जो चेक्स थे ना, ये जो चेक्स थे ये काउंट नहीं होंगे बिकॉज इनके लिए अलग से एक मार्क्स है दिया हुआ गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये फर्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएगा. ये जो हमने यहाँ पे किया, दिस विल नॉट कम अंडर सेल्फ चेक, ठीक है? सो दिस क्लैरिफाई कर लो इस चीज को कि ये जो हमने यहाँ पे चेक्स डाला था, दिस विल नॉट, ये ऑल्दो हमने चेक किया है बट दिस विल नॉट कम अंडर द हेडिंग ऑफ सेल्फ चेक. इफ यू रीड द क्वेश्चन यहाँ पे देखना, कुछ दिया हुआ है अदर चेक्स बोल के 5 मार्क्स है. सो मिनिमम ऑफ 5 to 7 चेक्स हमें देना है, तो उसमें ये जो चेक्स है वो नहीं आएंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट? तो हमारा आज का, यू कैन से हमारा आज का, आई थिंक हमने और कोई चेक नहीं डाला था, एक चेक हमने इधर डाला था, सो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 चेक जो हमने अपने आप खुद पर डाला कि दिस शुड एड अप टू 100. तो एक चेक हमने यहाँ डाला है एंड एक चेक हमने यहाँ डाला है, इसको रेड कर देते हैं. एंड जहां पे भी रेड से रहेगा ना वो समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ सेल्फ चेक. एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट आदर्श वाज सेइंग कि हम लोग इन दोनों का सम कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट आल्सो आदर्श. इन दोनों का सम करो, देन इन द चेक, हाँ देन इन द चेक यू कैन कंपेयर इट अदर वे. कैसे कैसे हाँ चेक करोगे बताओ. हम वैसे कहते हैं वो इफ लगा देंगे या तो टोटल वो वैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा तरीका है इसमें. ओके हो गया या उसमें क्या करोगे, नहीं ये समझो, तुम चीज को समझो कि यहाँ पे इन दोनों को जब ऐड किया, इन दोनों यहाँ पे मैंने तो इसका टोटल लिया है, ठीक है? इसका टोटल लिया है एंड देन आई सेड कि इन दोनों का सम, ऑब्वियसली क्योंकि और कुछ पॉसिबल नहीं है, सीनियर प्लस जूनियर शुड एड अप टू टोटल. वॉट यू वुड हैव डन कि अगर इन दोनों का सम लेते, वॉट यू वुड हैव डन यहाँ पे देख लो एक बार चेक कैसा डालते. इफ दिस इज इक्वल टू पैरामीटर द लास्ट सेल ऑफ द नंबर ऑफ हाँ पैरामीटर. कॉम्पिटिटर क्यों करते, बिकॉज तुमने उन दोनों को सीनियर प्लस जूनियर को ऐड किया, तुमने सारे कॉम्पिटिटर्स को ऐड नहीं किया, करेक्ट. ठीक है? तब ये ऐसा होता. अगर यहाँ पे तुम इन दोनों को ऐड करते तो ठीक है. ठीक नाउ लेट अस टेक आउट द एवरेज. अभी बताओ कि हम लोग ये ओवरऑल एवरेज तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा, मैंने इस पूरे कॉलम का एवरेज ले लिया. अभी बाकी दोनों मुझे करके बताओ कि कैसे होगा, ये दोनों एवरेज कैसे होगा. देयर आर मेनी मेथड्स टू डू, मेनी मेथड्स. एवरेज ठीक इफ से कर रहे हैं.
ठीक है, एवरेज इफ से इस पूरे कॉलम को ले लेंगे एवरेज के लिए एंड कंडीशन डाल देंगे, इट शुड बी जे और इट शुड बी एस. ठीक है, और कुछ? और एक कर सकते हैं कि वो काउंट इफ वाला फंक्शन लगा सकते हैं एवरेज के साइड वाले कॉलम पे, तो एक हो गया सीनियर, एक हो गया जूनियर, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो सीनियर्स का सारा स्कोर आ जाएगा, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, जूनियर का स्कोर आ जाएगा, उसका एवरेज निकाल सकते हैं. दैट इज अ सिंपल बट लॉन्गर वे. इन द सेंस कि एक कॉलम एवरेज सीनियर का बना लो, एक कॉलम जूनियर का बना लो एंड फिर उसका हाँ एवरेज. हाँ ओके ओके, हाँ, दैट आल्सो कैन बी डन. उसमें काउंट इफ नहीं, खाली इफ लगाना पड़ेगा. लाइक व्हाट यू कैन डू इज, मैं दिखा दूंगी वो भी. एंड सिद्धि, एनीथिंग एल्स, कोई और तरीका? नहीं, मैंने तो एवरेज इफ यूज की है. ठीक है, सो एवरेज इफ इज द बेस्ट वे टू डू. ठीक है, वो सबसे इजी वे है करने का. बट एक और तरीका जो आदर्श ने बोला है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सीनियर का जूनियर का अलग अलग कॉलम में एवरेज निकाल सकते हैं कि इस कॉलम में खाली जूनियर का रहेगा, इस कॉलम में खाली सीनियर का रहेगा एंड फिर उसका एवरेज यहाँ पे ले लेंगे. दैट इज वन मेथड, दैट एवरेज इफ. एक दो मेथड, तीसरा मेथड है सम इफ बाय काउंट इफ. एवरेज क्या होता है, सम बाय काउंट, है ना? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एवरेज इफ, हम लोग सम इफ बाय काउंट इफ यूज कर सकते हैं. आई विल शो ऑल द थ्री मेथड्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे मेथड्स पते होने चाहिए. आई वुड सजेस्ट द इजिएस्ट वन इज टू यूज द एवरेज इफ, या फिर दो कॉलम्स बनाना इज द मोस्ट एफिशिएंट वे. क्यों? क्योंकि आगे जाके भी कभी यूज पड़े तो आप वो डायरेक्टली कॉलम को यूज कर सकते हो. सो द बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी इज टू मेक टू डिफरेंट कॉलम्स एंड देन डू इट. बेस्ट मेथड मेरे लिए वो है. ठीक क्योंकि है, बाद में, हाँ बाद में भी वो मैक्स एवरेज और मिन एवरेज भी मांग रहे हैं, तो वो फिर आसान हो जाएगा. हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो वहां पे हम लोग को, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग मैक्स इफ मिन इफ लगाते हैं जैसे एवरेज इफ लगा रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग डायरेक्टली कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आई विल शो यू ऑल द थ्री मेथड्स. तो यहाँ पे पहले हम लोग सीनियर का निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा मेरा, ऐसे लिख देती हूँ मैं इसको, एवरेज सीन सीनियर का एंड ये हो जाएगा एवरेज जूनियर का. तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, इफ इफ दिस इज इक्वल टू एस इफ दिस इज इक्वल टू एस देन एवरेज ले लो, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक. ठीक है, सही है, देख लो. इफ दिस इज सीनियर देन टेक द एवरेज, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक. तो ऐसे हमारे खाली सीनियर्स के आ जाएंगे. देखो खाली सीनियर्स के आ रहे हैं यहां से, बाकी जूनियर्स में आई एम गेटिंग ब्लैंक. सेम थिंग आई कैन डू फॉर जूनियर्स एज वेल. Now instead of this, let me make this as absolute. इसको भी absolute कर देते हैं. तो यहां पे instead of s j करने खाली, देख लो. एंड यहां पे यू कैन राइट ओवरऑल एवरेज. ओके सॉरी, एक चीज मैंने गलत कर दिया. दिस शुड हैव बीन 6, को हम एब्सोल्यूट नहीं करेंगे. हम्म,
ड्यूरिंग एग्जाम में सपोज किसी को फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे, ठीक है, लाइक जैसे एवरेज इफ था फॉर, मुझे याद नहीं आया कि एवरेज इफ या हम इन या मैक्स यूज कर सकते हैं. सो एट दैट टाइम टू क्रिएट द टेबल, राइट, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला, सो हम इसका यहीं से काउंट कर सकते हैं, राइट. पीवट हम यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जाम, राइट, बट आई हैव टू फिल माई टेबल. तो या तो हम पीवट निकाल के टेबल फिल करके पीवट डिलीट कर दे, या फिर हम मैन्युअली काउंट करें, तो उन सबको कोई मार्क्स नहीं है. नहीं, जीरो जीरो, बिकॉज आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन योर ऑडिट ट्रेल, करेक्ट. सो इफ यू आर मेंशनिंग कि आपने ऐसे ऐसे कुछ भी किया है, यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट गेटिंग द आंसर, इट इज अबाउट हाउ यू गेट द आंसर. आंसर का मे बी आपको थोड़ा मार्क्स मिलेगा फाइनल, बट आपने किया कैसे है, आपका ऑडिट ट्रेल में भी मार्क्स कट हो जाएगा एंड आपका इधर एक्सेल में भी मार्क्स कट हो जाएगा, विल नॉट गेट. सो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ द एग्जामिनर इज रियली गुड यू विल गेट अ 0.5, अदरवाइज यू विल गेट 0, बिकॉज यहाँ पे एंड ट्रस्ट मी सिद्धि, देयर आर ओनली 7-8 फंक्शंस इन टोटल जो हम लोग यूज करते हैं, सम, काउंट, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वी हैव इन सबका एवरेज इफ लगा दो, सम इफ, मैक्स इफ लगा दो. जनरली भी इतना ज्यादा सम इफ एवरेज इफ यूज आता भी नहीं है, बहुत रेयरली यूज आते हैं, बहुत रेयरली. सम इफ, काउंट इफ, ये दोनों बहुत यूज आते हैं, काउंट इफ स्पेशली बहुत यूज आते हैं, बट बाकी फंक्शंस के इफ नहीं काउंट यूज आते. तो मतलब ये ही सारा फंक्शंस है विच आई कैन थिंक ऑफ जो हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग कोई डिफिकल्ट फंक्शंस नहीं यूज करते. हाँ, काई स्क्वायर जब टेस्ट करते तो उसके लिए काई स्क्वायर फंक्शन यूज करते हैं, अदरवाइज और कोई फंक्शन हम यूज नहीं करते एज सच. Just maybe you can say 10-12 functions maximum. You can, and what you can do is you can always write it down somewhere. तो आप उसको हमेशा refer कर सकते हो exam में. कोई exam point में क्या होता है ना कि when you see the question paper, so because of the time constraint, right? क्या पता दिमाग का चलना कम हो जाता है. मतलब बहुत बार होता है, right? So at that time you know what you want to write for the audit trail, but आपको उस समय वो formula याद नहीं आता कि मुझे count if करना है, sum if करना है. So in that particular moment, let's say जैसे अभी somebody static था, ठीक है, so अगर मुझे नहीं याद आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो average, so what will I do? I'll filter out J and overall का नीचे sorting filtering नहीं use करना है, sorting filtering नहीं use करना है, कभी नहीं use करना sorting filtering. थोड़ी ना पता चलेगा, I just need to नहीं बिल्कुल नहीं, that's a strict no, that's a very very big no. आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा, इवन इफ दे डू नॉट गेट टू नो अबाउट इट, बट आपको उस चीज को बताना है इन योर ऑडिट ट्रेल कि आपने कैसे किया. एंड ट्रस्ट मी सिद्धि, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस सो मच ना, मैंने अभी 3 आइडियाज डिस्कस किए, ऐसे और भी और बहुत सारे आइडियाज हैं जो पॉसिबल है विदाउट इवन यूजिंग सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पिवट टेबल्स. एंड ट्रस्ट मी, आप आराम से कोई भी आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा इन द एग्जाम. ऐसा कभी नहीं होगा दैट यू विल नॉट रिमेम्बर एनी फॉर्मूला, इवन इफ you may not understand how to do it, you may not understand the question, but you will never forget a formula, kyunki aapne itne baar and itna alag alag type ka question, ek hi question ko itne alag alag tarike se practice kiya, you will never forget. Sorting, filtering, pivot tables, all of these are strict no, aapko pura zero milega, you will not get a single marks. And if you are giving paper from IAI, tab to bilkul bhi nahi milega. IFOR mein if they are lenient, they might give you 0.51 mark. बट उससे ज्यादा बिल्कुल. बेसिकली सपोज समरी स्टैटिक्स में, ठीक है, तो वो क्या देखते हैं, देसी मतलब जैसे अगर आप समरी स्टैटिक्स में जाओगे वापस, ठीक है, सो वो फॉर्मूला देखते हैं या दे जस्ट सी द नंबर. मतलब अब सपोज अगर आप शीट पे देखें, ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ 76 में हमने काउंट इफ करके निकाला, या जैसे एवरेज का हमने निकाला, सो दे गो एंड सी दिस फॉर्मूला कि हाउ डिड वी कैलकुलेटेड, और दे जस्ट ओवरऑल नंबर देखते हैं कि ओके 76, 2400 सही है. दोनों चीज देखते हैं. सो बेसिकली वही मैं बोल रही हूँ, ऑडिट ट्रेल हम लोग जब करेंगे ना, आज अगर हमारे ही खत्म हो जाए तो कल ही करते वो, तो ऑडिट ट्रेल जो हम करेंगे तो हमें ये चीज पूरा लिखना है अपने ऑडिट ट्रेल में कि हमने यहाँ पे काउंट इफ लगाया, हमने यहाँ पे ये लगाया. So they do it side by side. They are reading the audit trail and they are seeing the spreadsheet side by side. तो उन लोग फंक्शन भी देखते हैं आपने क्या डाला है, कैसे निकाला है,
एंड आंसर तो देखते ही है, बट दैट इज द लास्ट थिंग विच द चेक. उसके पहले दे सी कि कैसे निकाला है एंड कैसे उसको डॉक्यूमेंट किया है इन द ऑडिट डे, वो चीज वो देखते. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए वो है कि आपका डेरिवेशन कैसे हुआ, आंसर आप कैसे दे रहे हो, इरिस्पेक्टिव कि दे कैन बी मल्टीपल प्रोसेस और आंसर राइट है रॉन्ग वो भी चलेगा, बट उनको मेन है कि हमने क्या यूज किया, राइट, काउंट इफ सम इफ. करेक्ट 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 ओके करेक्ट. बट अगर हमको क्रॉस चेक करना है, ठीक है, फॉर माई इफ आई हैव टू क्रॉस चेक, जैसे अब ये है एस सीनियर 76 और जूनियर 24, ठीक है, फॉर माई ओन सेल्फ चेक, तो मैं सॉर्ट एंड फिल्टर करके चेक करके आंसर चेक कर सकती हूँ, राइट, मैन्युअली, बट आई डोंट हैव टू शो इट ऑन ऑडिट पे तो कहीं भी. हाँ हाँ दैट यू कैन डू गिवन आपके पास टाइम है, डू इट एट द एंड जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए, बिकॉज अगर आप हर एक क्वेश्चन में रुक रुक के वैसे क्रॉस चेक करेंगे, बिकॉज दिस इज अ चेक वी आर अप्लाइंग, इससे समझ में आ रहा है कि हाँ ये दोनों एड अप टू टोटल हो रहा है. हाँ फिर भी आपको ये थोड़ा लगता है कि नहीं हो सकता है ऐसा, और जे अलग अलग रीड हो गया हो या कुछ भी वैसा, यू कैन ऑब्वियसली डू दैट. बट वैसे ही मैंने बोला 3.5 3 and 15 minutes इज अ वेरी लेस टाइम जो हमें मिलता है, तो उसी में टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू कम्प्लीट द पेपर इज वेरी डिफिकल्ट. तो ऊपर से हम लोग अगर ये सब लगाएंगे एंड में, आप कर सकते हो अगर आपका टाइम बच रहा है आपके पास, आप फॉर श्योर कर सकते हो, आप लिख लो एक जगह पे कि ये सारे जगहों पे मेरे को डाउट है, ये सारे जगहों पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक मैंने किया है, देन ऑब्वियसली उनको पता नहीं चलना चाहिए. यू कैन सेव योर वर्क पूरा एंड देन यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और उसको फिर आप मत सेव करना, तो दैट यू कैन डू बाद में जस्ट फॉर योर ओन सेक कि आपको समझने. बट वॉट आई विल सजेस्ट कि एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं मिलता एक्चुअली टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एक्चुअली क्या होता है ना सिद्धि, वेन यू आर प्रैक्टिसिंग सो मच देन यू बिकम अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने जो किया है वो सही किया है, एंड दैट कम्स ओनली आफ्टर कि आप इतना सारा पेपर्स प्रैक्टिस आपने किया है. सो एटलीस्ट वी हैव टू प्रैक्टिस 10 पेपर्स ऑफ CP2, तो जाके हमें कॉन्फिडेंस एकदम आ जाएगा, एंड मॉक टेस्ट एंड ऑल, तो हमें एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमने सही किया है, कुछ गलत नहीं किया है. एंड इवन इफ यू योर आंसर इज रॉन्ग, इवन इफ 76 की जगह यू आर गेटिंग 75, बट योर प्रोसेस इज करेक्ट, योर डॉक्यूमेंटेशन इज करेक्ट, आपका बहुत कम मार्क्स डिडक्ट होगा. बहुत बहुत बार दे डोंट इवन डिडक्ट योर मार्क्स अगर आपका फाइनल आंसर गलत है तो, बिकॉज यू हैव डॉक्यूमेंटेड इट एंड यू हैव यूज करेक्ट फॉर्मूलाज, तो आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा. ओके ठीक है, तो उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कैसे करना है उसका टेंशन हमें लेना है. ठीक है, तो ये दोनों आ गया. अब हम इसका एवरेज निकालते हैं सीनियर जूनियर का. सो यहाँ पे सबसे पहला मैं, हाँ बोलो, सीनियर का एवरेज ले लेंगे. ठीक है, ये सीनियर वाले का एवरेज हो गया, देख लो सीनियर वाले कॉलम का एवरेज हो गया, सीनियर वाले कॉलम का एवरेज, एंड देन वील टेक आउट जूनियर वाला कॉलम का एवरेज. 2 decimals तक रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे. आंसर्स मैच कर लेना एक बार मेरे साथ कि सेम आ रहे हैं कि नहीं. दिस वॉज वन मेथड, मैं दूसरा मेथड यहाँ पे दिखा देती हूँ. एवरेज इफ, एक बार देख लो, एवरेज इफ इस पूरे का, सॉरी दिस शुड बी द क्राइटेरिया रेंज. सो माई क्राइटेरिया रेंज इज दिस, एज बैंड शुड बी सीनियर, तो मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ सीनियर वाला सेल, देख लो. ठीक है, सीनियर वाला सेल सिलेक्ट किया मैंने, एंड देन यहाँ पे लेट अस फिक्स द एवरेज, हमें इसका लेना है. तो देख लो सेम आंसर आ रहे हैं इवन व्हेन वी यूज द एवरेज इफ. एंड एक और तरीका जो था सम इफ बाय काउंट इफ, मैं वो भी दिखा दूंगी, एंड आई थिंक सम इफ काउंट इफ इन्होंने सॉल्यूशन में यूज किया है.
एक बार सम इफ काउंट इफ देख लेना, सम इफ, ठीक है, तो हमारा रेंज क्राइटेरिया रेंज विल बी दिस, विल बी दिस, दिस विल बी आवर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया विल बी सीनियर एंड सम हमें लेना है इसका, इसका हमें सम लेना है। तो ये हमने एवरेज में क्या करते हैं, पहले पूरे का सम डिवाइडेड बाय द नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली उनका सम ऐड होगा, खाली सीनियर का जो एवरेज है, बेसिकली खाली सीनियर का जो एवरेज है उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा एंड देन हमें नंबर ऑफ सीनियर्स से डिवाइड करना है। सो टू थिंग्स यू कैन डू अगेन, या तो आप बाय 76 भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 76 भी कर सकते हो, देख लो डिवाइड बाय 76, बट नेवर यूज द प्रीवियस सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इधर, काउंट इफ अगेन द सेम थिंग जो हमने 76 जैसे निकाला। आई विल शेयर माई फाइल विथ यू ऑल कि अगर आप लोग का मिस भी हो जाए तो आप लोग देख सकते हो, बट मेरे साथ साथ करो तो बेटर रहेगा। तो सम इफ बाय काउंट इफ, सम इफ में मैंने क्या किया, क्राइटेरिया रेंज ले लिया वो पूरा एज बैंड को, देन मैंने अपना क्राइटेरिया डाला जे एस सॉरी, देन मैंने पूरा एवरेज वाला कॉलम, ओवरऑल एवरेज वाला कॉलम ले लिया सम रेंज में, काउंट इफ में मैंने एज बैंड लिया एंड देन वापस से सीनियर। तो ये मेरा आ गया अगेन द सेम सॉल्यूशन, दोनों मेथड मैंने आपको दिखा दिया। एग्जाम में ऑब्वियसली हमें खाली एक ही मेथड करना है, हमें ये तीनों में से यू कैन प्रेफर एनी वन मेथड, एवरेज इफ ऑब्वियसली वो भी शॉर्ट रहेगा एंड ये भी शॉर्ट है, ये भी लॉन्ग नहीं है। इफ यू सी, आपको खाली दो कॉलम बनाने थे जिसमें भी आपको टू वन मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। सो वंस यू गेट दिस देन यू कैन टेक आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगेन मैक्स इफ यूज कर सकते हो या फिर आपने जो दो कॉलम बनाए हैं उसको यूज करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। मैंने मैक्स इफ मिनिफ लगा दिया, मैक्स मिन लगा दिया जो दो कॉलम निकाला था। मैं एक बार मैक्स इफ एंड मिनिफ करके भी दिखा देती हूँ। मैक्स इफ एक बार आप लोग देख लो फिर खुद से करना, आई विल गिव द टाइम। मैक्स इफ जब हम लोग करेंगे तो वी विल अप्लाई इट ऑन विच कॉलम आदर्श, मैक्स इफ करेंगे तो कौन से कॉलम पे लगाएंगे? तो सीनियर के लिए सीनियर वाले कॉलम पे और जूनियर के लिए जूनियर वाले कॉलम पे। मैक्स इफ सॉरी, तब मैक्स इफ आपका सबसे पहले कंडीशन एरे में हम लोग एज बैंड वाला रखेंगे और फिर इस ओवरऑल एवरेज पे लगाएंगे। करेक्ट, एंड मैक्स सीनियर अच्छा इसको हम नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट कुछ गलत किया क्या मैंने? वाई मेरा मैक्स सिर्फ फंक्शन वापस आप करोगे एक बार मैक्स सिर्फ मेरा मतलब मेरा क्या था मैं बता मैक्स इफ करो वापस नहीं आई थिंक मेरे में फंक्शन ही नहीं आ रहा मैक्स इफ का है ना मैक्स इफ्स आ रहे हैं मैक्स इफ नहीं आ रहा मेरे में आई डोंट नो व्हाई मैक्स इफ्स आते हैं ना इफ नहीं है
मैक्स इफ बोल के तो कोई फंक्शन ही नहीं है ना, मैक इफ से। अच्छा मैक्स हाँ, इफ से। करेक्ट 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 करेक्ट, ये पूरा लिंक हो गया वैसे, एक सेकेंड। इसीलिए मतलब वो हम कॉलम वाला बोल रहे थे, मतलब कॉलम वाला काफी सिंपल हो हाँ, जाता कॉलम वाला तो डेफिनेटली सिंपल है। अब मैंने कुछ गलत किया शायद, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे करके देखती हूँ इसको। हाँ, मैक सिर्फ कोई फंक्शन नहीं है, करेक्ट। मैक सिर्फ कोई फंक्शन नहीं है, मैक सिर्फ से। नहीं, इसमें वो आएगा ना, एवरेज आएगा पहले, पहले आपका रेंज है, करेक्टेड एवरेज रेंज होगा पहला वाला, हाँ मैक्स। हाँ मैक्स सिर्फ कोई फंक्शन नहीं है। मैंने जूनियर का किया है, आ गया। अब ओवरऑल निकाल लो मैक्स मिन करके, ये तो नॉर्मल आएगा। निकालो, मैं टाइम दूंगी फिर करने का। हो गया क्या ये आदर्श सिद्धि? हाँ हाँ हम एक चेक भी लगा दिए कि मैक्स ओवरऑल मैक्स विल बी द मैक्सिमम ऑफ सीनियर एंड जूनियर। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क। मिनिमम शुड बी इन दोनों का मिनिमम एंड मैक्सिमम शुड बी इन दोनों का मैक्सिमम, वेरी गुड। हाँ तो ये लगा दो चेक। एक काम करें क्या हम लोग, 1 आवर का ब्रेक लेते हैं, लाइक आफ्टर 1 आवर कैन वी स्टार्ट द क्लास अगेन 5 o'clock? तब हम लोग 2 आवर्स का क्लास ले सकते हैं इफ यू ऑल वॉन्ट। आप थोड़ा सा वो ब्रेक को लंबा कर सकते हो, क्योंकि फिर हम वो काम कितने को एक काम है, और थोड़ा कितने मतलब बजे वन एंड से बताओ? हाफ 2 आवर्स, मतलब 6 से फिर आपको जितना देर लेना है क्लास कोई इशू नहीं है मेरे को। 5:30 6 अगर हो पाए तो, 5:30 अगर हो फाइव पाए। थर्टी ठीक है, ठीक है, मैं एक बार ग्रुप हाँ में लिख दूंगी। 5:36 ठीक है, हाँ हाँ सिद्धि कोई फिर कोई इशू प्रॉब्लम नहीं। नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वैसे करते हैं, तब तक थोड़ा ट्राई करना नेक्स्ट वाला खुद से सॉल्व करने का, तो हम लोग फिर क्लास में उसको कर लेंगे अगर हो पाया तो, अदरवाइज क्लास में तो कर ही रहे उसको। ठीक है, ओके अदर्स क्वेश्चन, अपने एवरेज का भी चेक निकाला था क्या, कि सिर्फ मीन और मैक्स का? नहीं, एवरेज का कोई चेक नहीं निकाला, एवरेज का चेक नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार टाइम लिख दूंगी। ठीक है, ओके, बाय। बाय।